है नई पहचान, देखकर होगा आपको भी गर्व। नमस्कार, मैं स्वाति मिश्रा, स्वागत है आप सबका एएनटीवी में। हमारी भाषा हिंदी एक मातृभाषा बनकर रह गई है। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर आज हिंदी के क्या हालात हैं ये हम सब जानते हैं। हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी का खूब प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने दुनिया भर में हिंदी के महत्व को समझाया है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी फिल्में जो हिंदी के महत्व को भली भांति समझाने में सफल हो पाई हैं। अब ये फिल्में कौन सी हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साल 1979 में आई अमोल पालेकर की फिल्म गोलमाल में भी बड़े ही रोचक ढंग से हिंदी के महत्व को समझाया गया है। फिल्म में उनके साथ उत्पल दत्त, बिंदिया गोस्वामी, दीना पाठक, ओम प्रकाश, यूनस परवेज और अमिताभ बच्चन ने भी अहम किरदार निभाया था। इंग्लिश विंग्लिश फिल्म शशि नाम की महिला की कहानी है जो अंग्रेजी भाषा में अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाती है। उसकी 10-12 वर्ष की लड़की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अपनी माँ को ले जाने में शर्मिंदगी महसूस करती है। फिल्म में लीड रोल निभाया है श्रीदेवी ने। नमस्ते लंदन में भला अक्षय कुमार की वो स्पीच कैसे भुलाई जा सकती है। उन्होंने कैटरीना कैफ की सगाई के दौरान भारत की सभ्यता के साथ साथ हिंदी का महत्व समझाया था। इससे ना सिर्फ फिल्म में कैटरीना उनसे इम्प्रेस हो गई थी, बल्कि हिंदी प्रेमियों ने भी हॉल में खड़े होकर तालियां बजाई थी। तो देखा आपने कि ये फिल्में कैसे हमारी सभ्यता से जुड़ी बातों को आज के युवाओं को समझाने में कितनी अहम भूमिका निभाती हैं। आप भी इस हिंदी दिवस पर एक बार इन फिल्मों को अवश्य देखें, क्या पता आपको भी हमारी भाषा से प्रेम हो जाए। फिलहाल आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनटीवी।